आज बेटा अपना टॉपिक है टोर्नेडो। हाँ विंड स्टॉर्म और साइक्लोन के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक अपना टोर्नेडो। टोर्नेडो जो होता है बेटा ये एक फनल शेप का होता है, जो फनल होता है ना इस तरीके से एक फनल शेप का होता है, जिसके अंदर नीचे जाके तो ये बारीक हो जाता है और ऊपर क्या होता है बड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। फनल शेप का डार्क, फनल शेप्ड डार्क और वायलेंट थंडरस्टॉर्म ही होता है, ठीक है, जो कहाँ से ग्राउंड से और स्काई तक जाते हैं। यहाँ तो ये ग्राउंड पोर्शन हो गया और ये ऊपर किस में जाता है स्काई में, ग्राउंड से और स्काई तक जाता है। इसमें भी बेटा टोर्नेडो जो है हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ सबको डैमेज कर देता है, ये भी पेड़ों को भी अपरूट कर देता है, अपरूट ट्रीज, ठीक है, ट्रीज को भी उखाड़ देता है, हमारे जो घर हैं होम और अपने जो बिल्डिंग्स हैं इनको भी क्या कर देता है अपरूटिंग कर देता है, नीचे से उखाड़ देता है। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये थंडरस्टॉर्म से भी ज़्यादा स्पीड में होता है, 400 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। और ये मतलब नीचे से उठता है और ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से चौड़ा होता चला जाता है टोर्नेडो, ठीक है। और इसके कुछ अब ये टोर्नेडो जब आए तो हमें क्या प्रिक्वेशंस यूज करनी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। प्रिक्वेशंस, प्रिक्वेशंस में फर्स्ट प्रिक्वेशन है बेटा, एक तो हमें ना मतलब जो स्टॉर्म शेल्टर्स होते हैं उनके लिए कंस्ट्रक्शन रूम्स बनाने चाहिए पहले से ही, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म शेल्टर्स। इसका मतलब होता है अगर तूफान इस तरीके का टोर्नेडो वगैरह आए तो उससे पहले हम हमारे जो है सुरक्षित प्लेस हमारे पास होने चाहिए, वो कंस्ट्रक्ट रहने चाहिए। दूसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, अफोरेस्टेशन करना चाहिए। अफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग न्यू ट्री ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े क्षेत्र पर पेड़ों को उगाना। स्टेप होता है बेटा रोड जो होते हैं कनेक्टिंग रोड, एवेकेटिंग पीपल्स क्विकिंग टू सेफर प्लेस, मतलब जो रोड हमें इस तरीके से बनाने चाहिए ताकि उनको उन लोगों को सेफ प्लेस में पहुंचाया जाए जो इन लोग इन जहाँ पे टोर्नेडो या साइक्लोन आया है। तो कनेक्टिंग रोड बनाने चाहिए, कनेक्टिंग रोड बनाने चाहिए किसके लिए, ताकि वो उन लोगों को जल्दी सेफ प्लेस में पहुंचाएं जहाँ पे टोर्नेडो आया हुआ है। तो ऐसी सड़कें होनी चाहिए हमारे पास। और स्टेप होता है साइक्लोन लगा लो या टोर्नेडो लगा दो, इनके लिए पहले ही हमें क्या देनी चाहिए ये सारी के ये जो प्रिकॉशन पढ़ रहे हैं ना कंप्लीट की हैं, टोर्नेडो साइक्लोन या फिर थंडरस्टॉर्म सभी की मिलके। तो फोर्थ पोजीशन क्या बचाई कि हमें इनकी फोरकास्टिंग, मतलब चाहे साइक्लोन ले लो या टोर्नेडो ले लो, इनकी पहले फोरकास्टिंग सर्विसेज जो है उनके बारे में पता होना चाहिए और वो वार्निंग्स जो है वो हमारे पास रैपिडली आनी चाहिए और रिपीटेड आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए। इसका मतलब साइक्लोन फोरकास्ट होना चाहिए, फोरकास्ट सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो जल्दी से लोगों के पास में पहुंच सके, और रिपीट होनी चाहिए बार बार, ताकि भाई जिन्होंने नहीं सुना है तो वो भी उनको बार बार सुने। एक लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इनके बारे में, अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स। इसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके बारे में लोग जागरूक होने चाहिए, उनको पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि, और पंफलेट्स के द्वारा या फिर टेलीविजन के द्वारा या कोई और जो भी आपका मास कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा आप मैसेज पहुंचा सके उनके द्वारा, कि भाई पहले ही हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है या टॉर्नेडो आने वाला है, तो हम किसी सेफ प्लेस के अंदर चले जाएं। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की। दो टाइप के वेदर इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं बेटा, एक तो होता है वेदर वेन। वेदर वेन जो है इसका दूसरा नाम होता है विंड वेन। एक कोक लगी होती है इसमें ऊपर, ठीक है,
डायरेक्शंस पता करने के लिए यूज की जाती है। ये क्या होती है? वेदर वेन, जिसको विंड वेन बोलते हैं। ये क्या बताती है हमें? डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा के बारे में पता करने के लिए हम वेदर वेन या विंड वेन का यूज करते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा हमारा एनीमोमीटर। इसमें कप लगे होते हैं बेटा, ठीक है? ये कप जो है ये क्या बताते हैं? ये स्पीड ऑफ विंड, ये क्या बताते हैं? स्पीड, जो विंड होती है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कप का। अगर मान लो एक, इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी प्लेस पे, अगर 1 सेकंड मतलब टाइम लिमिट ले लेते हैं भाई, 2 सेकंड के अंदर सभी जगह की मानते हैं। जैसे हमने ले लिया एक तो अपने महेंद्रगढ़ के अंदर देख लिया भाई, ठीक है, एक अपन ने नारनौल के अंदर आसपास के एरिया लगा लेते हैं, वहां पे दोनों सेटअप किए, ठीक है। वही 5 मिनट के लिए देखा, 5 मिनट में इतनी इसने कितनी रोटेशन लगाई, उसी 5 मिनट में नारनौल में देखा कितनी रोटेशन लगाई। तो टाइम तो दोनों में सेम है लेकिन जो रोटेशन है वो ज्यादा है, तो नंबर ऑफ रोटेशन जहाँ ज्यादा होंगी और समय दोनों का इक्वल होगा तो वो स्पीड विंड की बताएगा कि स्पीड तेज किसकी है, नंबर ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा। जितनी नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा होंगी गिवन टाइम में उतनी ही स्पीड क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक वेदर फोरकास्ट। अभी बताया ना ऊपर जो आया था वेदर फोरकास्ट के बारे में, वेदर फोरकास्ट क्या होता है? मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी। इसके बारे में बताते हैं बेटा, जो मौसम की भविष्यवाणी है वो कौन करते हैं? वेदर फोरकास्टर करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है ना? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, के बारे में अनाउंस करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि भाई किस तरीके की वेदर रिपोर्ट्स हमें अभी भेजनी है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? वो बेटा इंसेट्स के द्वारा होते हैं सैटेलाइट्स, इंसेट्स के द्वारा करता है मैसेज जो है उनको पहुंचाता है, और रेडार्स के द्वारा, रेडार रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं बेटा, ठीक है, इनके द्वारा क्या करता है? फोरकास्ट वार्निंग देता है, पहले ही सूचना दे देता है वह इनके बारे में। और ये जो है बेटा ये कोस्ट लाइन एरियाज में सेटअप किए जाते हैं, ये जो भी इंसेट वगैरह, ये कोस्ट लाइन जो एरियाज होते हैं ना, कोस्ट लाइन जहाँ पे पानी ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर इनको CDR को लगाया जाता है, ये रिमोट सेंसिंग एरियाज होते हैं वहां लगाए जाते हैं। ये जो है इंडिया, अपनी इंडिया के अंदर आज के दिन 10 जो है CDR लगाए गए हैं, जिसमें से 10 में से जो 6 है वो तो ईस्ट डायरेक्शन में है और 4 जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। जो CDRs है ना इनके जो लगा रखे हैं, ये अपने 6 तो कहाँ है ईस्ट डायरेक्शन में और 4 कहाँ है वेस्ट डायरेक्शन में। ये वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर के बारे में बताते हैं, और जैसे इनसे रिपोर्ट मिलती है तो वो हमें किसके रूप में मिलेगी? इनकी फोटोज वगैरह दिखती है उनमें, फोटोज, और उन फोटोज से वो आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके का मौसम होने वाला है। तो इन सिचुएशंस के बारे में वो थोड़े से समय में ही जो हमारी जो आसपास के लोग होते हैं उनको टीवी के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से पहले ही सूचना दे देते हैं, 48 घंटे पहले ही, कि भाई 48 घंटे पहले सूचना दे देते हैं और 24 घंटे पहले वार्निंग अलर्ट जारी कर देते हैं कि भाई साइक्लोन या टोर्नेडो आने वाला है। तो ये हमारे होते हैं वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट जो है बेटा उसके लिए